प्रदेश के गृह जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ग्राम कमरारी में लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 105 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। दतिया में एक समारोह में अतिथियों ने नरोत्तम मिश्रा को लव जिहादियों और कोरोना की वैक्सीन की संज्ञा दी। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में शासन की योजनाओं और उनसे हो रहे लाभ के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। मौके पर ही उन्होंने इलाज के लिए मदद मांग रहे एक ग्रामीण को मुफ्त इलाज कराने को कहा। मिश्रा ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लोगों को बताया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यह आंदोलन करने वाले देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। इस बिल को काला कहने वाले को खुद पता नहीं है कि इसमें काला क्या है। महिलाएं जब इकट्ठी होती है तो उनका आत्मबल बढ़ता है, मातृशक्ति के रूप में आप विराजमान हैं और अपना दतिया मातृशक्ति के रूप में पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता है। पीतांबरा माई है यहाँ पे, खैरी वाली माई है यहाँ पे, बड़ी माता है यहाँ पे, यहाँ पर रतनगढ़ की माताएं है कि नहीं है ये माताएं, तो मातृशक्ति के रूप में ये पहचाना जाता है। और मां महात्मा और परमात्मा इन तीन का जीवन में, हर एक पुरुष के जीवन में इन तीन का महत्व है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं मां के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, क्योंकि ब्रह्मा का काम सृजन करना होता है और हर पुरुष का, हर जीव का सृजन अपनी मां के गर्भ के अंदर ही होता है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अध्यादेश 2020 के गजट नोटिफिकेशन होने के बाद दतिया में महिलाओं के सम्मान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। जिस घर में महिलाओं का वास या महिलाओं की पूजा नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। उन्होंने स्वयं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रथ की शुरू किया है। यह रथ पूरे जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ प्रचार प्रसार करेगा। इस मौके पर समाज सेवी मीनाक्षी कटारे ने कहा, जिस तरह से कोरोना काल में नरोत्तम मिश्रा ने निर्भीक होकर मुकाबला किया और लोगों को घर से निकलना सिखाया, उसी तरह लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए कानून पारित किया। हम कह सकते हैं कोरोना और लव जिहाद की वैक्सीन नरोत्तम मिश्रा है, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। वैक्सीन का विरोध करने वाले और लव जिहादियों को, उन्होंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे महिला वर्ग काफी प्रभावित है। जिस तरह से सन 2008 के पहले दतिया में अपराध थे, उस दृष्टि को देखते हुए माता और बहनों का शहर में निकलना मुश्किल हो गया था, तो 2008 के बाद हम लोगों को बहुत आवश्यकता थी एक ऐसे नेतृत्व की जो हमें सम्मान दे सके और हमारी सुरक्षा कर सके। तो जिस तरह का सम्मान और सुरक्षात्मक वातावरण आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हमें मिला है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसा ही नेतृत्व हमको चाहिए। इसीलिए मैंने आज कहा है इस कार्यक्रम में कि जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, उसी तरह से लव जिहाद की भी वैक्सीन आई है, जिसका नाम है आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।